राजस्थान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी लगातार दूसरे दिन मनाई गई। कृष्ण जन्माष्टमी पर जन जन के आराध्य मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर खुशहाली और समृद्धि की मनोती मांग रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न इंतजाम भी किए गए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। देखिए, मदन मोहन जी की नगरी में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों ओर देखी जा रही है। आज रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के दर्शन खुलेंगे। शाम को नंद बाबा का दरबार मंदिर के प्रांगण में सजाया जाएगा और नंद बाबा मंदिर में बैठेंगे। 1895 ईस्वी से चौधरी श्री रामकृष्ण का परिवार मदन मोहन जी का जन्मोत्सव के बाद पोशाक पहनाता है। साथ ही परंपरा निभाने गोयल परिवार भी मंदिर पहुँचेगा। आपको बताना चाहूँगी, शाम 5 से 6 बजे तक नंद बाबा को बधाइयों का उत्सव मनाया जाएगा। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्म तोपों की सलामी के साथ मनाएंगे। वस्त्र पहनाकर 56 से ज़्यादा व्यंजन का भोग ठाकुर जी को लगाया जाएगा। अगर बात हम सुरक्षा की दृष्टि से करें तो पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है। भारत एक्सप्रेस के लिए करौली से शीला मीणा। आपको बता दें कि मदन मोहन जी मंदिर में सुबह और शाम को दर्शन अपने निर्धारित समय पर हुआ। वहीं कृष्ण जन्म की विशेष झांकी के दर्शन रात 12 बजे होंगे। मंदिर में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर में प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिस और प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के मेरे द्वारा यातायात की पूरे मार्केट में व्यवस्था की गई है। 2 शिफ्टों में जाप्ता लगाया है। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक एक शिफ्ट चलेगी और 4 बजे से लेकर रात्रि के 12:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट तैनात रहेगी। यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। मैं 24 घंटे आम रोड पर ही प्रेजेंट रहूँगा और यातायात कर्मचारी किसी तरह का कोई जाम नहीं लगने देंगे। भारी वाहनों का अंदर प्रवेश बंद रहेगा। मेरे द्वारा हिंडन गेट पर पार्किंग व्यवस्था की गई है। वहाँ सभी वाहनों को खड़ा किया जाएगा और वजीरपुर गेट पर भी वाहनों को खड़ा करने की पार्किंग व्यवस्था की गई है और किसी तरह का कोई वाहन अंदर प्रवेश नहीं करेगा। गणेश गेट पर भी पार्किंग व्यवस्था की गई है, किसी तरह का कोई वाहन अंदर प्रवेश नहीं करेगा। चौपहिया वाहन, तिपहिया वाहन मार्केट में प्रवेश नहीं करेगा। पैदल यात्री ही दर्शन करने जाएंगे और किसी तरह का कोई जाम लगने दिया जाएगा। मैं पूरा आश्वासन देता हूँ कि हर तरह से पुलिस यातायात कर्मचारी मुस्तैदी। आज मंदिर के समय सुबह भी सारे वाहनों को बंद कर रहा हूँ और दिन में 4 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक किसी तरह का कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा। सभी वाहनों पर श्रीमान कलेक्टर साहब एस साहब के निर्देशन में सभी वाहन यातायात बंद रहेगा। पैदल यात्री दर्शन करने के लिए जाएंगे और बाइकों के लिए चारों गेटों पर पार्किंग की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। मंदिर चौकी प्रभारी ने बताया कि मदन मोहन जी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए 2 शिफ्ट में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। शाम 4 बजे तक एक शिफ्ट के बाद 12:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। करौली शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर तिपहिया और चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है। वहीं 2 पहिया वाहनों के लिए भी प्रवेश के द्वारों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु अपने वाहनों की पार्किंग के बाद पैदल ही मदन मोहन जी के मंदिर के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही मदन मोहन जी मंदिर परिसर सहित अलग अलग स्थान पर पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है। मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर भीड़ को नियंत्रित करके इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मदन मोहन जी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मदन मोहन जी मंदिर में रात 12 बजे कृष्ण जन्म की विशेष झांकी का आयोजन किया जाता है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालु रात 12 बजे बड़ी संख्या में मदन मोहन जी मंदिर पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।